जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद। उन्होंने कहा है कि जेएनके में इंडिया के संविधान की जीत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजों पर विश्लेषण चल रहा है, कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। इसी को शिकायतों से अवगत कराने की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो हरियाणा के नतीजे पर राहुल का बयान, जम्मू कश्मीर को लेकर भी, हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित जो नतीजे आए हैं उसको लेकर विश्लेषण हो रहा है, ईसी पर शिकायत यानी इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई तरीके के सवाल उठा रही है, जैसे ईवीएम की बैटरी को लेकर के 99% बैटरी आखिरकार कैसी थी, क्या कोई खेल हुआ है, कई तरीके के सवाल अब कांग्रेस पार्टी उठा रही है और अपनी शिकायतों को लेकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा भी खटखटाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, अब हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस में खलबली है, ईवीएम सही था जहां पर उनके नतीजे ठीक आए वहां सही था, जहां नई नतीजे ठीक आए वहां गलत था, 99% चार्ज था, एक एक बारीकी पवन खेड़ा ने गिनाई है, लेकिन ये ईवीएम जेएनके में नहीं खराब हुआ था। जी बिल्कुल, ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी कल से ही उठाती रही है, जब से नतीजों में हमने देखा शुरुआती रुझानों के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी काफी आगे बढ़ रही थी और इस वक्त ढोल नगाड़े भी कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही 11 बजे और उसके बाद नतीजे रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई तो हमने देखा कैसे ईवीएम को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने राह कलपना शुरू कर दिया। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, उसके बाद जब नतीजे आए उन्होंने कहा कि ईवीएम की बैटरी जो है वो 99% थी। एक बड़ा आरोप और ये भी लगाया गया था कल कांग्रेस की तरफ से कि काउंटिंग काफी धीरे चल रही है और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि काउंटिंग को जो नतीजे हैं वो हर 5 मिनट में इलेक्शन कमीशन उसको अपडेट भी कर रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी का साफ ये कहना है कि जब भी कांग्रेस अपनी हार फेस करती है तो वो ईवीएम का राग लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर अटैक करती है, इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है। लेकिन अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके हालांकि जम्मू कश्मीर में ये कहा कि वहां पर संविधान की जीत हुई है, लेकिन हरियाणा में लेकर वो ये कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा की जाएगी। और आप साथ मुस्तफा भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं और देखिए एक तरफ तो ये हार और दूसरी तरफ कई तरीके के सवाल, आत्मचिंतन तो है ही मुस्तफा, लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी दल है वो भी कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी तरीके का संशय अब वहां गठबंधन पर नजर आता है, क्योंकि अगला चुनाव तो अब महाराष्ट्र में। देखिए, आप कह सकते हैं कि हार के समय पता चलता है किसी भी शख्स को कि उनके असली दोस्त कौन है और जो गठबंधन बने हैं क्या वो सिर्फ सत्ता के लिए बने हैं, इस पर भी सवाल आप कह सकते हैं उठता है। महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की एक तरह से कोलिजन है, सीट शेयरिंग